हाय देव, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, दिस इज शीनम। तो लास्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप तक का अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के टॉपिक से। तो अभी हम शुरू करते हैं, और हाँ, पिछली वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए अब शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीनिंग से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या है। कोऑपरेटिव का मतलब है वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे होकर काम करना कम्युनिटी पर्पस के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है कि एक ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब कि मेंबरशिप जो सभी के लिए ओपन है, कोई भी पर्सन आ जा सकता है इसमें किसी भी टाइम, जब भी वो चाहे। और इसका मेन मोटिव क्या है, मेंबर्स जो इसके हैं उन्हीं का वेलफेयर। अब लोग क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ज्वाइन करते हैं, इनका मेन मोटिव ये होता है कि उन्हें मिडल मैन से छुटकारा पाना होता है, क्योंकि मिडल मैन क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट्स करते हैं और इन्हें कुछ भी प्रॉफिट खुद नहीं हो पाता है। अगर हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करनी है तो हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होगी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912। कंपल्सरी है इसमें रजिस्ट्रेशन इसीलिए। अब इसे ओपन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें मिनिमम मेंबर्स हमें 10 चाहिए और उन सबका कंसेंट चाहिए कि वो अग्री कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें ओपन करनी है। अब यहाँ पे कैपिटल भी आपको खुद इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप शेयर्स के थ्रू भी इशू कर सकते हो। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है आदर्श कोऑपरेटिव बैंक या फिर अमूल, जो कि आप सबने सुना ही होगा। अब इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले है वॉलंटरी मेंबरशिप, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेंबरशिप सभी के लिए ओपन है, कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है और कोई भी पर्सन इसको कभी भी लीव कर सकता है। लेकिन एक नोटिस जरूर देना चाहिए अगर आपको सोसाइटी को लीव करना है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक आपकी सोसाइटी को एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है वो आपकी लिमिटेड है जहां तक कि आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वहीं तक। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुके, देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कंट्रोल, अब यहाँ पे कंट्रोल जो है वो सारा का सारा कंट्रोल होता है एक कमिटी के हाथ में, जिसे कि इलेक्ट किया जाता है वोट्स के थ्रू, यानी कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। इसका मेन मोटिव जो है वो सर्विस मोटिव है, वेलफेयर है लोगों का। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके मेरिट्स, इक्वालिटी है वोटिंग स्टेटस में, जैसे कि डेमोक्रेसी में होती है, ठीक है, वन वोट। और नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस। इसकी एग्जिस्टेंस जो है, यानी कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है काफी देर तक टिक सकती है, स्टेबल एग्जिस्टेंस है। फॉर्म इजीली हो सकती है और आपको गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। टैक्सेस आपको कम पे करने पड़ते हैं। लोन्स अगर आपकी सोसाइटी को चाहिए तो वो भी आपको लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है, सब्सिडीज मिल जाती हैं। और इकोनॉमी ऑपरेशंस का बेसिकली मतलब है कि कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स खुद ही इसके मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए बैड डेट्स का खतरा कम होता है। यानी कि जो आपसे लोग उधार लेके जाते हैं ना और उसके बाद वो पैसे ना दे पाए तो उसे हम बैड डेट्स कहते हैं, तो वो रिस्क जो है बैड डेट्स का वो कम हो जाता है। डीमेरिट्स का क्या है, गवर्नमेंट ज्यादातर कंट्रोल करती है। आप जहां पे भी गवर्नमेंट आ जाए वहां पे ही मैनेजमेंट ज्यादातर हमारे इंडिया में इनएफिशिएंट हो जाती है। सीक्रेसी यहाँ पे कम होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंबरशिप वॉलेंट्री है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। अब यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं तो ओपिनियंस में डिफरेंसेस आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। और रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जो भी ज्यादातर इसके मेंबर होते हैं वो पुअर होते हैं, इसीलिए तो इनके डिविडेंड रेट भी कम होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग, देन फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड देन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। सबसे पहले बात करेंगे हम कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। हम सारी की सारी टाइप्स में इन तीन मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि ये बनाते कौन है और इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और करती क्या है। इसके क्रिएटर्स कौन है, वो कंज्यूमर्स जो कि ट्रेडर्स से बिल्कुल छुटकारा पाना चाहते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स की मिडल मैन को हटाना चाहते हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल करवाना चाहते हैं। इसके बेसिक फंक्शंस क्या है कि ये गुड्स को परचेज करते हैं बल्क में प्रोड्यूसर से और आगे अपने ही मेंबर्स को ये सेल कर देते हैं। नेक्स्ट, इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो गुड्स को परचेज करना प्रोड्यूसर से बल्क में एक साथ इकट्ठा और अपने ही मेंबर्स को रीजनेबल रेट्स पे सेल कर देना। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके क्रिएटर्स कौन है, नाम से क्लियर है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो कि अपने गुड्स को अच्छे से सेल नहीं कर पाते, उन्हें डिफिकल्टीज होती है सेल करने में। मेन ऑब्जेक्टिव कि वो उनको मटेरियल ऐसा या ऐसी हेल्प प्रोवाइड करवा सके प्रोड्यूसर्स को कि वो उनकी अपने गुड्स की अच्छे से सेल कर पाए।
बेसिक फंक्शंस इनकी परचेज या सेलिंग के ऊपर असिस्ट करना गुड्स मेंबर्स को. सॉरी, कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के क्रिएटर्स कौन होते हैं? छोटे छोटे प्रोड्यूसर और आर्टिसंस. आर्टिसंस आपको पता ही है, जो अपने हाथों से सामान को बनाते हैं, जिन्हें की डिफिकल्टी होती है अपने प्रोडक्ट्स को एक अच्छे से प्रॉफिट पे सेल करने के लिए. इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको मतलब कि मेंबर्स को अपने रेगुलर मार्केट, रेगुलर कस्टमर्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और इसके अलावा उन्हें मिडल मैन से जो भी एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ती है उससे छुटकारा दिलवाना. अब इसके बेसिक फंक्शंस क्या है? गुड्स को कलेक्ट करना मेंबर से ही, और उसके बाद इन्हें एक रीजनेबल से प्राइस पे सेल करना. नेक्स्ट बात करते हैं हम फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में. इसके क्रिएटर्स नाम से क्लियर है, छोटे छोटे वो फार्मर्स जो कि अपने फार्मिंग को अच्छे प्रॉफिट के ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है. अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतलब कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, उसके लिए अपने इक्विपमेंट्स लाने हैं वगैरह, ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो बेसिक फंक्शंस भी क्या है? अपनी कोऑपरेटिव फार्मिंग को एंकरेज करना और अपने एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स को मॉडर्न बनाना, हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज वगैरह लेकर आना अपने फार्मिंग मेथड्स में. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में. इसके क्रिएटर्स कौन है? जनरल वो वाले जनरली पर्सन्स जो जिनके पास की लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं अपने बिजनेस में. अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि वो अपने मेंबर्स को फील करवाना चाहते हैं कि वो लोगों को मतलब कि मनी लेंडर से मेनली छुटकारा दिलवाना चाहते हैं और लोगों में सेविंग्स की हैबिट को एनकरेज करवाना चाहते हैं अपने मेंबर्स के बीच में. अब इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें लोन्स को एक रीजनेबल से इंटरेस्ट के ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आती है. नाम से क्लियर है, हाउस के लिए है ये. इसके क्रिएटर्स कौन है? वो वाले जनरल पर्सन जो कि रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए जगह चाहते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड करवाते हैं, प्लॉट्स प्रोवाइड करवाते हैं मेंबर्स को. और बेसिक फंक्शंस इसके क्या हैं? लैंड को परचेज करना, उसे डेवलप करना, उसमें हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने और अपने मेंबर्स को अलॉट करने हाउसेस. और इनकेस अगर हाउसेस वो ना दे पाए तो वो अपने मेंबर्स को प्लॉट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट आती है हमारे पास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. अब कंपनी आप सबने नाम तो सुना ही है, तो कंपनी भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत कुछ मेंबर्स मतलब कि इकट्ठा होते हैं और कंपनीज एक्ट इसे गवर्न करता है 1956 का. बहुत सारे जो लोग जो इसके मेंबर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल अपनी कंपनी में और इसीलिए इसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं क्योंकि वो एक साथ ही इन्वेस्ट करते हैं. अब मेंबर्स चाहे इसमें आते रहे जाते रहे लेकिन कंपनीज कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है. अब इसके मेनली फीचर्स के बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है. जैसे नेचुरल पर्सन जो है एक प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसके उधार भी हो सकते हैं कर और उधार ले भी सकता है, वो किसी से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, कोई भी केस को स्यू कर सकता है किसी के ऊपर और स्यू भी हो सकता है. इसी तरह कंपनी में भी ऐसे होता है. लेकिन एक नेचुरल पर्सन ब्रीथ करता है, खाता पीता है, दौड़ता है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती, इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है. अब हम बात करेंगे इसको कि सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरा प्रोसेस है, तो इसलिए इसे बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है एक अलग से. और ये एक एग्रीमेंट्स में आ सकती है अपनी कंपनी के नाम से ही, पर्सन के नेम की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है. नेक्स्ट, इसकी फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये. परपेचुअल सक्सेशन यानी कि कंपनी जो है वो खत्म सिर्फ और सिर्फ लॉ के थ्रू ही हो सकती है. मेंबर्स चाहे आते रहे जाते रहे, कंपनी जब तक लॉ उसे खत्म नहीं करता तब तक खत्म नहीं होगी. कंट्रोल, अब यहाँ पे जो कंट्रोल है वो सारा का सारा मैनेजमेंट करती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं जो भी कंपनी के होते हैं. लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पे लिमिटेड होती है उनके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के एक्सटेंड तक की. कॉमन सील, अब जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कॉमन सील बना लेते हैं कंपनी एज, जैसे हम लोगों के साइन होते हैं वो जो कॉमन सील होती है वो एक कंपनी का साइन के तरह रिप्रेजेंट होते हैं. रिस्क बियरिंग, अब यहाँ पे जितने भी लॉसेस वगैरह हैं वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स ही बोर्न करते हैं जो भी कंपनी में मेंबर्स होते हैं.
अब इसके मेरिट्स, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है, इंटरेस्ट हम अपना इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं मार्केट में। आपको आपने सुना ही होगा रिलायंस के शेयर्स बिक रहे हैं, तो कभी किसी और चीज के शेयर्स बिक रहे हैं किसी और कंपनी के। परपेचुअल सक्सेशन अभी आपको बताया, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, अब यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा होती है एक्सपेंशन की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे पास कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होते हैं। प्रोफेशनल टाइप से मैनेजमेंट होती है यहाँ पे। डीमेरिट्स, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, सीक्रेसी इतनी मेंटेन नहीं रहती है यहाँ पे। इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट है, इतना पर्सनल एनवायरमेंट नहीं होता, आपको बिल्कुल रूल से स्ट्रिक्ट होके यहाँ पे चलना पड़ता है, और आपके डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे डिले हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। कंपनी के टाइप्स हमारे पास दो तरह की होती है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक दो चीजों में तो आपने मेनली छोटे होते डिफरेंस तो पड़े ही होंगे, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक में सेल नहीं हो सकते हैं, और पब्लिक में सेल हो सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि जिसमें कि मतलब कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर्स का, और इसमें मैक्सिमम नंबर होते हैं मेंबर्स के 50 और मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक्सक्लूड करके प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को। और एक वो ही कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है जो कि पब्लिक को कभी भी इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर कैपिटल के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख की तो होती है, और टाइम टू टाइम ये मिनिमम पेड अप कैपिटल चेंज होती रहती है। इसकी एग्जांपल पार्ले प्रोडक्ट्स, नाम सुना होगा सैमसंग, ये भी आपने इजिली नॉर्मली नाम सुना ही होगा। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज करे। पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो पब्लिक कंपनी एक वो कंपनी है जो कि अपने शेयर्स को फ्रीली सेल कर सकती है जनरल पब्लिक में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें की मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख की होती है, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, और हम पब्लिक को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं कैपिटल को, कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेन डिफरेंस प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, होप आप कर सकते हो, नंबर ऑफ मेंबर्स के बीच में मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम 2 और यहाँ पे 200 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे नहीं, अच्छा वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 50 है, एक बुक थी आरके सिंगला उसमें 200 लिखा था। नेम यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है, यहाँ पे लिमिटेड लगाना जरूरी है नेम के पीछे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे 2 होते ही होते हैं मिनिमम, और पब्लिक में 3 होते हैं। हम पब्लिक को यहाँ पे इनवाइट नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं, और शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट में, पब्लिक में कर सकते हैं। अपने मेंबर्स का इंडेक्स बनाना प्राइवेट में जरूरी नहीं है लेकिन पब्लिक में जरूरी है, और मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट में 1 लाख है और पब्लिक में 5 लाख है। ये डिफरेंस है आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब हम बताएंगे कि आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इतनी पड़ी है तो आपको कैसे चूज करना है, किस तरीके का आपको बिजनेस करना है। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, सबसे पहले आपको देखना है कि फॉर्मेशन की कॉस्ट कितनी है, कि इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेजियस सोल प्रोप्राइटरशिप है क्योंकि इसमें सबसे कम लगती है फॉर्मेशन की कॉस्ट, और कंपनी सबसे ज्यादा महंगी है, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में कम होती है। लायबिलिटी के लिए इस नजरिए से देखें तो कंपनी ही सबसे ज्यादा एडवांटेजियस है क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, और लीस्ट एडवांटेजियस सोल प्रोप्राइटरशिप है क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा रिस्क एक ही प्रोप्राइटर को झेलना पड़ता है। कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा एडवांटेजियस है कंपनी क्योंकि ये तो हमेशा चलती रहती है, मेंबर्स आए या जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लीस्ट एडवांटेजियस है सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि एक पर्सन मर गया उसके बाद उसका कुछ नहीं पता कि उसके बिजनेस का क्या होगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एबिलिटी के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली मोस्ट एडवांटेजियस तो कंपनी है, और लीस्ट एडवांटेजियस यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप है। कैपिटल में मोस्ट एडवांटेजियस कंपनी और लीस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, अगेन क्योंकि कैपिटल आपको मोस्ट कंपनी में शेयर्स हो जाते हैं। रेगुलेशंस के हिसाब से तो सोल प्रोप्राइटर अपने हिसाब से जैसे मर्जी कर सकते हैं, और लीस्ट यहाँ पे कंपनी में रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, लेकिन लीस्ट किस में होती है कंपनी में, क्योंकि रूल से स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। और सीक्रेसी भी सबसे ज्यादा मेंटेन सोल प्रोप्राइटर में होती है, लीस्ट कंपनी में, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।